नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। हम इस वक्त मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में, जहां पर बारिश को लेकर जो सड़क है उसकी मरम्मत की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो आइए हम जानते हैं यहां के सीनियर इंजीनियर से वो क्या कहते हैं। मंत्री, विपक्ष के लोग भी आरोप लगाते हैं कि कमीशन का खेल रहता है, इसीलिए सड़कों को खराब बनती है। देखिए, वर्षा ऋतु में सड़क खराब होती है पानी की निकासी नहीं होने के कारण, और इसके अलावा और भी कारण है। आप कुछ गुणवत्ता को लेकर के भी इशू हो सकते हैं, तो हमारा डिपार्टमेंट और हमारे कंसल्टेंट नियमित रूप से इसकी जांच करते हैं, और जहां जहां भी खराब सड़कों की शिकायत आएगी हम जो है जांच करेंगे और संबंधित के खिलाफ स्ट्रांगली हम जो है एक्शन लेंगे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ। जी, लोकपत आपका ऐप के माध्यम से कितनी शिकायत आई और कहां कहां कार्य? हमने जैसे बताया कि अभी लोकपत ऐप के माध्यम से 7 अगस्त की स्थिति में कुल 1894 शिकायत प्राप्त हुई है और 6 अगस्त को हमारी 30 शिकायत प्राप्त हुई है। इस प्रकार से कुल जो है शिकायत निराकृत जो हुई है वो 1734 शिकायत निराकृत हुई है। आप देख सकते हैं कि अधिकांश 98% शिकायत हमारी लगभग निराकृत हुई है। 7 दिवस से अधिक लंबी शिकायतें हमारी निश्चित ही हैं, कुछ 21 शिकायतें हैं जो भी हम जो है 3-4 दिन के अंदर इसको दूर करने का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सर, जो नई सड़कें हैं उसमें बारीक जो कंक्रीट है वो उड़ रहे हैं, लोगों को लग जा रही है, कई बार वाहन भी फिसल जाते हैं इससे। हम लोग जो है जो ऐसे जहाँ जहाँ कुछ सड़कों में ये शिकायत है तो इसको हम जो बजरी वगैरह जो निकली है, जो धूल उड़ रही है, जब बारिश थमती है तो धूल उड़ती है, तो उनको सफाई करके और हम लोग उसको एमल्सन की स्प्रे करके और वो डस्ट की समस्या को ख़त्म कर रहे हैं। सर, कुछ मुख्य सड़कें हैं जैसे VIP रोड है, बी सावरकर सेतु है, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है अभी भी, VIP रोड हमारी नहीं है सर, नगर निगम की है, लेकिन ये सब ड्रेनेज का इशू तो है ही है, और चूँकि तालाब वहाँ लगा हुआ है और बैक वाटर भी है, मतलब तालाब का जो ग्राउंड से नीचे पानी ऊपर आता है वो भी कारण हो सकता है, लेकिन वो लोकल नगर निगम हमारे अच्छे से समन्वय नहीं हो पा रहा है PWD या नगर निगम के बीच। नहीं, हमें सब हमें जो है अपने सड़कों को पहले प्राथमिकता है देखने की और वो हम दुरुस्त करेंगे। अपने अपने जो विभाग की जिम्मेदारियां हैं सब वो देखेंगे और दुरुस्त करेंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। सर, अभी हाल ही में मंत्री जी भी मुख्यमंत्री गए थे, ITI जो आनंद नगर वाली रोड है वो पूरी उखड़ी पड़ी हुई है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ तो छात्र आते जाते रहते हैं, उनके साथ भी हादसा हो सकता है। वो सड़क नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क है, हम लोग उसको ठीक करेंगे, ये आपके माध्यम से जानकारी आई है, वो जल्दी ठीक करेंगे। वहाँ भी ड्रेनेज का इशू है, ये समस्या वर्षा ऋतु में तो अधिक आती है। लोकपत में और सड़कें कब तक जुड़ जाएंगी? आगामी 3 महीने में जोड़ने का लक्ष्य है हमारा, जब ये लॉन्च हुआ था तो उसमें हम केवल एक उसमें एग्जामिन कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो है उसका मतलब एग्जामिन मतलब जो सड़कें ध्वस्त नहीं है उसमें छटाई करेंगे और जो निर्माणाधीन है वो अलग करेंगे, तो लगभग ऐसी सड़कें जो 40,000 किलोमीटर की सड़कें हमारी आएगी वो हम शीघ्र तीसरी कर देंगे। मैं समय सीमा थोड़ा उसका अध्ययन करने के बाद ही बता पाऊंगा। सर, हर साल नए प्रयोग किए जाते हैं सड़कों को लेकर, क्या कारण है कि फिर भी सड़कें खराब क्यों हो जाती है? सड़कों खराब होने के बहुत से कारण हैं, ड्रेनेज भी कारण है, क्वालिटी भी कारण है, और इंटर डिपार्टमेंटल इशूज भी कारण है कि हमने सड़क बनाई वो दूसरे डिपार्टमेंट ने खोद दी, उसने मरम्मत करी नहीं है, तो ये कारण बहुत सारे हैं। नई टेक्नोलॉजी कितनी कारगर होगी जो आप ला रहे हैं? अभी तक बिल्कुल सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं हम इस टेक्नोलॉजी को और आगे भी बढ़ा रहे हैं, और जो वर्षा ऋतु में जो सड़क शहर की ख़राब होती है तो हम लोग उसके वाइट टॉपिंग नई टेक्नोलॉजी से भी इसको ले करेंगे। नई टेक्नोलॉजी सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर 6 से 8 इंच की उसमें आ जाएगी, तो ये परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी, जो गड्ढे की वर्षा ऋतु में ऐसी समस्या नहीं आएगी। थैंक यू सर। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे इंजीनियर RK मेहरा, जिन्होंने हमें पूरे भोपाल की जो सड़क निर्माण की जो कार्य प्रणाली है उससे अवगत कराया। तो अब देखना ये होगा कि जैसा कि इन्होंने बताया है वो काम होता है या नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।